हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, ADF फूड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी पिकल्स, चटनीज, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट एंड सॉसेस, फ्रोजन फूड्स एंड स्पाइसेस बना के बेचती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1536 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 34.4 की PE है, 20.2% है कंपनी की ROCE एंड 16.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 19.2%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.57% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 12.8% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर लिखे रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 101.35 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 112 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 89.7 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7.64 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है, मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 11.27 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 11.13 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइस, कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड यह सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितने इनकम ग्रो करी है उससे कई ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है, दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर लेके रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 20 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 14 करोड़ की रह गई है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड FIIs ने सेलिंग। और अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 29.96% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जून क्वार्टर लेकिन जो रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं निकल के आई है, वीक साइड पे ही निकल के आई है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जून क्वार्टर लेकिन रिजल्ट देख के या तो फिर फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस सेट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट, आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी में ट्रैप्ड हो जाओगे एंड सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा यही है कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो गाइस इस कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 652 रुपीज़ से लेकर 688 रुपीज़ के रेंज पे निकल के आ रही है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys, bye guys and definitely guys, stay safe.